बाल ब्लॉक संसाधन केंद्र पर दिव्यांग छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कानपुर की टीम द्वारा किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ एडी बेसिक आगरा व जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मैनपुरी ने किया। इस कार्यक्रम में समेकित शिक्षा के प्रभारी रणधीर बहादुर ने जानकारी देते हुए बताया कि मैनपुरी व करहल में लगभग 170 बच्चों का परीक्षण किया गया है। नवम्बर माह में इन सभी को उपकरण वितरित किए जाएंगे। ये उपकरण जो बांटे जाएंगे वो कब तक बांटे जाएंगे? ये उपकरण बांटने के लिए राज्य परियोजना कार्यालय से ही फिक्स डेट भी निर्धारित किए गए हैं और उसमें जो 28 तारीख को परीक्षण हुआ था ये 16 नवंबर को वितरित किए जाएंगे और जिन बच्चों का आज उपकरण मापन किया जा रहा है इनको 18 नवंबर को उपकरण दिए जाएंगे। उक्त कार्यक्रम में हमारे जितने भी स्पेशल एजुकेटर। कुशीनगर में सीएमएन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है, जहां स्वच्छ भारत अभियान की पोल खोलता एक मामला सामने आया था जिसकी वजह से गांव में बीमारियां फैल रही थी। आपको बता दें कि ये खबर दो दिन पहले की है, जब कुशीनगर की ग्राम सभा पनियावा में गरीब परिवार के बुखार पीड़ित सुरेश मुसहर इलाज के अभाव में अपनी जिंदगी काटने को मजबूर थे। गांव में जगह जगह गंदगी का अंबार लगे होने की वजह से गांव में लोग बीमारियों की चपेट में आ रहे थे। दो दिन पहले हमारे चैनल के माध्यम से इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद इस खबर का धमाकेदार असर हुआ, जहां प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आईपीएस ओएस की टीम के द्वारा गांव में पहुंचकर स्कूल, आंगनबाड़ी, पंचायत भवन, मंदिर, मस्जिद, सामुदायिक शौचालय व जल निकासी नाली निर्माण आदि की विस्तृत जानकारी ली व स्वच्छता के अभाव पाए जाने के बाद स्वच्छता के निर्देश दिए। इस दौरान ग्राम प्रधान व सेक्रेटरी में हड़कंप मचा रहा। निरीक्षण टीम ने गांव में हुए जल जमाव, डस्टबिन आदि सहित अनेक समस्याओं पर चर्चा की व इसका समाधान किया। इस दौरान ग्राम प्रधान, सचिव, आशा सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि बेहद गरीब सुरेश का इलाज भी सरकार द्वारा अब मुफ्त में किया जा रहा है, जिस पर पहले तो स्वास्थ्य विभाग की कोई नजर ही नहीं पड़ी थी, लेकिन सीएमएन न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी सतर्क हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि कुशीनगर में सीएमएन न्यूज की खबर चलने का बड़ा असर हुआ है। बुलंदशहर के जेएसएमडी पब्लिक स्कूल डूंगरा जाट में सरकार द्वारा स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम चलाया गया। सरकार द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक और अध्यापकों द्वारा छात्र छात्राओं को एल्बेंडाजोल की गोलियां वितरित की गई। एक कदम सरकार के साथ मिलाते हुए बच्चों ने उज्जवल और उत्तम भविष्य का सुनहरा मौका देखने का प्रयास किया।